press the bell icon on the YouTube app and let residential rule laga hi dena chahiye bina soche ab ab aur kitna sochenge bhai ab aur kitna chintan aur manan karenge ab to lag jaye ab kya aur bhi betiyan jo hain वो और बेआबरू होंगी और बेइज्जत होंगी। हम तो बर्दाश्त कर लेते हैं हमारे जितने शब्दों से और हमारे जितने कपड़े खोले जाते हैं हम बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन कुछ तो लड़कियां होंगी जो नहीं बर्दाश्त कर पा रही हैं, कुछ तो होंगी जो रोज रोती होंगी, कुछ तो होती होंगी जो रोज सरकार को कोसती होंगी, कुछ तो होती होंगी जो रोज मेल करती होंगी कि यहाँ की सरकार से हमको बचाइए क्योंकि इनके सरकार में या तो स्कैमबाज मंत्री है या तो चोर मंत्री है या तो उचक्के मंत्री है और या तो इनकी मशीनरी है जो महिलाओं का कपड़ा खोलने के लिए ही काम करती है। पर नाजिया जी, सीबीआई ने अभी तक संदीप घोष को गिरफ्तार नहीं किया है, हालांकि आईएमए ने उनको सस्पेंड कर दिया है, लेकिन इतने दिन से पूछताछ हो रही है, उनकी भूमिका सबसे ज्यादा संदिग्ध है, ममता बनर्जी उन पर सबसे ज्यादा मेहरबान। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया भारत पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और एक दमदार वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे भारत की दो बहादुर और सशक्त महिलाओं को। एक तरफ आप देखेंगे मशहूर पत्रकार अंजू पंकज जी को जो कि इंटरव्यू लेंगी भारत की बेटी और हम सबकी चहेती सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाजिया लाइक खान का। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट वीडियोस लाते रहें। और ये वीडियो का सेकेंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम आपके लिए चैनल पर डाल चुके हैं। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद जय भारत। लेकिन नाजिया जी, इस मामले में अब ममता बनर्जी एक तो मुख्यमंत्री है और वो डरा धमका रही है, इस तरह की भाषा वो बोली नहीं सकती है, तो असंवैधानिक भाषा है उन पर। तो अगर कोई आम आदमी इस तरह से डराए धमकाए कि मैं यहाँ आग लगा दूंगा वहां आग लगा दूंगा तो उसको तो सीधे सीधे अंदर कर दिया जाएगा, उस पर तो FIR दर्ज हो जाएगी। लेकिन ममता बनर्जी जो बोल रही है उसके लिए भी तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक CM होने के बावजूद अगर वो इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करती है तो ये कहाँ तक जायज है? देखिये, ममता बनर्जी एक जिहादी मशीनरीज हमेशा चलाई है, हमेशा। अच्छा, लोगों को ये अब समझ में आ जाना चाहिए कि वो मणिपुर के मुख्यमंत्री को वो थ्रेट कर रही है, आसाम के मुख्यमंत्री को वो थ्रेट कर रही है, आदरणीय प्रधानमंत्री को वो थ्रेट कर रही है, वो बिल्किस बानो पे रोज छाती पीटती हैं, पर उनके राज में जो ये कंटिन्यूसली बलात्कार हो रहा है और बलात्कारियों को समर्थन करती है और विक्टिम को वो डिफेम करती है, क्या इससे समझ में नहीं आ रहा है? मुझे ऐसा लगता है, क्रक्स में मैं बताऊंगी कि इस बार ममता बनर्जी का के चेयर का तीन पाया हिल चुका है और उनको भी समझ में आ चुका है कि वो जितना छुपाएंगी अब इस चीज को वो उनका उतना हिजाब उठेगा, हर हाल में उठेगा। इस राज्य में जिस हिसाब से स्कैम हुए हैं, इस राज में जिस हिसाब से रेप हुए हैं, इस राज में जिस हिसाब से महिलाओं पर अत्याचार हुआ है, इस राज में जिस हिसाब से महिलाओं को डिफेम किया जाता है, इस राज में जिस हिसाब से चोरी होता है, इस राज में जिस हिसाब से पुलिस को एक पपेट बना करके सरकारी इस्तेमाल करती है, इस राज में जिस हिसाब से रेप और मर्डर जैसी कई घटनाओं पर पुलिस जो है वो इन्वॉल्व दिखाई दे रहे हैं, तो अब जो है अब वक्त आ चुका है कि इस देश की प्रथम महिला हमारी राष्ट्रपति जी को यहाँ पर इस राज में प्रेसिडेंशियल रूल लगा ही देना चाहिए बिना सोचे अब। अब और कितना सोचेंगे भाई, अब और कितना चिंतन और मनन करेंगे, अब तो लग जाए अब क्या और भी बेटियां जो हैं वो और बेआबरू होंगी और बेइज्जत होंगी। हम तो बर्दाश्त कर लेते हैं हमारे जितने शब्दों से और हमारे जितने कपड़े खोले जाते हैं हम बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन कुछ तो लड़कियां होंगी जो नहीं बर्दाश्त कर पा रही हैं, कुछ तो होंगी जो रोज रोती होंगी, कुछ तो होती होंगी जो रोज सरकार को कोसती होंगी, कुछ तो होती होंगी जो रोज मेल करती होंगी कि यहाँ की सरकार से हमको बचाइए क्योंकि इनके सरकार में या तो स्कैमबाज मंत्री है या तो चोर मंत्री है या तो उचक्के मंत्री है और या तो इनकी मशीनरी है जो महिलाओं का कपड़ा खोलने के लिए ही काम करती है। पर नाजिया जी, सीबीआई ने अभी तक संदीप घोष को गिरफ्तार नहीं किया है, हालांकि आईएमए ने उनको सस्पेंड कर दिया है, लेकिन इतने दिन से पूछताछ हो रही है, उनकी भूमिका सबसे ज्यादा संदिग्ध है, ममता बनर्जी उन पर सबसे ज्यादा मेहरबान रही हैं, यहाँ इस्तीफा दिया वहां कहीं नए मेडिकल कॉलेज में उनको प्रिंसिपल बना दिया, तो उनकी गिरफ्तारी में कहां कोई अड़चन आ रही है सीबीआई को? देखिए अंजू जी, अच्छा सारे लोग इस मामले पर सीबीआई को फिर कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। मामला तो साधारण रेप और मर्डर का नहीं बचा, जो पकड़ेंगे कॉलर और संदीप को डाल देंगे अंदर। मामला तो भाई बहुत सारे स्कैम का है, मामला
मामला तो बहुत सारे जानों का है, मामला तो अब एनडीपीएस का भी आ गया है, मामला तो अब सेक्स रैकेट का भी आ गया है, मामला तो ऑर्गन ट्रैफिकिंग का भी आ गया है, मामला तो अब 2021 से लेकर 2024 तक में जितने सुसाइड हुए हैं उन सबकी फाइल खुलेगी। मामला तो अब आ गया है कि भैया यहाँ तो फेफड़ा और कलेजा भी बिक्री होता था, मामला तो अब आ गया है कि यहाँ पर तो नशे का व्यापार भी होता था। तो अब सारी चीजों को समेटा जाएगा ना। सीबीआई ने देवाशीष नाम के एक डॉक्टर से भी पूछताछ किया है, तो अब इस संदीप के ग्रुप में और कितने लोग थे उन सबसे जांच पड़ताल होगी ना। और देखिए एक चीज तो आप समझ लीजिए कि संजय जो नाम का व्यक्ति था सिविक पुलिस, उसको तो फांसी के फंदे से इस दुनिया का कोई भी नेता और इस दुनिया का कोई भी कानून नहीं बचा सकता है, कोई कानून नहीं बचा सकता है, उसको तो फांसी लगेगी। लेकिन उसके साथ साथ किसको किसको फांसी लगेगी ये भी तो लिस्ट बनाना होगा ना। एक होता है क्राइम जो करता है वो गुनाहगार होता है, एक होता है जो क्राइम में सपोर्ट करता है वो गुनाहगार होता है, एक होता है जो क्राइम करने का जो प्लान रेडी करता है, ब्लूप्रिंट रेडी करता है, वो भी गुनाहगार होता है, एक होता है जो क्राइम की स्ट्रेटेजी को सेट करता है वो भी गुनाहगार होता है, एक होता है जो क्राइम के सारे सबूतों को वैनिश और टेम्पर करता है वो भी गुनाहगार होता है, और एक होता है जो उस क्राइम को छुपाने की बात करता है और छुपाने की साजिश और षड्यंत्र रचता है वो भी गुनाहगार होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्यों ना ममता बनर्जी साहिबा का एक बार पॉलीग्राफी टेस्ट हो जाए। मुझे लगता है सबसे ईजी रास्ता है, सारा भेद खुल जाएगा, सारे पोल खुल जाएगा। क्योंकि आप ये देखिए ना कि वो जो कोलकाता का पुलिस कमिश्नर है गोयल, उसको लेकर भी तो सवाल उठ रहे हैं ना कि किस तरह से पहले एक और जब ये सीआईडी का हेड होता था शायद, जब इसने एक मामले कामुदिनी रेप केस मामले बहुत आरोपियों के खिलाफ केस को बहुत सबूतों को तहस तहस करके बहुत वीक बना दिया था, तो वही सब कुछ तो इस मामले में हो रहा है। सबूतों को तहस नहस कर दिया ममता बनर्जी की पुलिस का, ममता बनर्जी के चहेतों ने, उसके बाद ममता बनर्जी ये उम्मीद कर रही है कि सीबीआई 3 दिन में रिपोर्ट दे दे, चौथे दिन आरोपी को फांसी पर चढ़ा दे। अगर यही करना था तो ममता बनर्जी को तुरंत अपनी पुलिस को लगाना था इस काम में और चौथे दिन फांसी पर लगा देती वो। अगर वो ठीक से काम करती तो कोलकाता हाईकोर्ट सीबीआई को थोड़े ये मामला देते। नहीं नहीं अंजू जी, समझना ये पड़ेगा व्यूअर्स को आपके, अगर ममता बनर्जी वाकई में इतनी इंसाफ परस्त है तो नासर खान को क्यों नहीं चढ़ाया उन्होंने फांसी पर, कामदोनी के आरोपियों को क्यों नहीं चढ़ाया फांसी पर, उन्होंने कालियागंज हाथखाली के आरोपियों को क्यों नहीं चढ़ाया फांसी पर। भाई उनके पास कोई एक नया नवेला, कोई रेप और मर्डर का घटना तो नहीं आया है इस राज्य में, तो हर महीने हर रोज हर दिन हर लम्हा हर घंटे में यहाँ पर रेप और मर्डर होता है। चोपड़ा में मुसलमान बेटी को न्यूड परेड हुआ और वो मणिपुर के मुख्यमंत्री को आंखें दिखा रही है जिनके राज्य में खुद हुआ इतना बड़ा घटना, और मणिपुर में तो दो गुटों का मामला था, यहाँ तो साफ तरीके से बोला गया कि भाजपा करती है इसलिए न्यूड परेड करवा रहे हैं और 3 घंटे उसको न्यूड चलवाया गया है, लोगों की भीड़ में लोग हंस रहे थे पीछे से, लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे पीछे से। पश्चिम बंगाल वो जगह है कि अगर आपके आपके साड़ी का पल्लू अगर गलती से गिर जाए तो लोग आप नजरें नीचे नहीं करते हैं, आपका मजाक उड़ाना स्टार्ट कर देते हैं और मजा लेना स्टार्ट कर देते हैं। ये है पश्चिम बंगाल। तो पहले भी तो ये सेम घटनाएं उनके सामने आई थी, इतनी ब्रूटल रेप और मर्डर की घटनाएं तो आई थी, तो वो फांसी पे क्यों नहीं चढ़ाए, एक्यूटेल उन्होंने क्यों दिलवा दिया, उन्होंने रेमेश्वर ग्राउंड पे बिल क्यों दिलवा दिया। तो इसलिए तो अब कलकत्ता हाईकोर्ट से लेकर के सर्वोच्च न्यायपालिका तक को ना ही ममता बनर्जी पर भरोसा है और ना ही ममता बनर्जी की पुलिस पर भरोसा है। पर ममता बनर्जी का तुर्रा तो देखिए, बहुत जल्दी सेशन बुलाकर वो एक कानून बनाने जा रही हैं कि रेप के जो आरोपी होते हैं उनको तुरंत फांसी दी जाए। उनको ये नहीं पता कि ये कानून केंद्र सरकार बनाता है, राज्य सरकार के हाथ में ही सब कुछ नहीं है। नहीं नहीं, उस पर मैंने भी उनको एक रिपोर्ट रेडी करके भेजा है और मैंने उस पर 18 रेप केसेस जो है मैंने हाईलाइट किए हैं कि इनको भी फांसी पे चढ़ा दीजिए, 18 रेप। वहां तो उनकी पसंदीदा जमात के लोग होंगे, उनको कैसे चढ़ा देंगे, सारे के सारे उनकी पसंदीदा मजहब के लोग हैं। मैंने कहा है कि ये सब एक्यूटल पाए हैं, ये सब रेमिशन ग्राउंड पाए हैं, यहीं से बिस्मिल्ला करते हैं, उसको छोड़ दीजिए, वो सीबीआई संभाल लेगा, वो सीबीआई समझ लेगा। अभी क्यों फांसी पे चढ़ाना, सारे राज खोलना है ना अभी,
मत जाएंगे भैया, एक राज खुला ना कि हमारी डॉक्टर बिटिया का जब दाह संस्कार हो रहा था तो उसके माँ बाप को अनुमति नहीं दिया गया कि उसके डेथ सर्टिफिकेट पे साइन करे, तृणमूल के एक नेता ने साइन किया है। नाजिया जी, जब पोस्टमार्टम होता है तो उससे पहले भी तो परिवार से रजामंदी ली जाती है, साइन लिया जाता है, उसके मामले में तो ये भी नहीं हुआ, परिवार तो मौजूद ही नहीं था। नहीं, और वही कामधुनी में हुआ था, वही सेम चीज कामधुनी में हुई थी। आप अगर सही से सीबीआई इंक्वायरी करेगी, और मुझे उम्मीद है, तो कामधुनी का डेथ सर्टिफिकेट जो है वो पहले इशू हुआ था और कामधुनी को जराया बाद में गया था, और यहाँ भी यही सब हो रहा है। हाँ, फिर किस मुंह से ममता बनर्जी कहती है मैं धरने पर बैठूंगी, किसके खिलाफ बैठूंगी। पर एक चीज और, वो जो आजीकर अस्पताल के डॉक्टर हैं जिनकी मतलब सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ को तैनात किया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो तो अभी भी काम पर नहीं लौटे, उनको तो धमकियां दी जा रही कि उनका स्टाइपेंड नहीं दिया जाएगा, उनको पास नहीं किया जाएगा, फेल कर दिया जाएगा। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अंजू जी, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा एफर्ट और थोड़ा सा एनर्जेटिक होने की जरूरत है। जब वो देख रहे हैं कि ममता बनर्जी बिल्कुल बायस्ड है और वो किसी भी हाल में इस मामले को चुप करने और खामोश करवाने के चक्कर में वो लग पड़ी है, तो ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटरवीन करने की अब जरूरत है, हर हाल में है। सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे इग्नोर नहीं कर सकता है क्या? यहाँ पर पूरा का पूरा जो संवैधानिक लोग हैं वो, उनकी जब लाशें बिछ जाएंगी, सारे बहू बेटियों का रेप हो जाएगा, तब क्या सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरवीन करेगा? अब इससे बुरा क्या होगा जो प्रेसिडेंशियल रूल लगेगा, इससे बुरा तो और कुछ भी नहीं है। आज सारे लोग रोड पर हैं भाई, पूरा बंगाल रोड पर है। अब इसके बावजूद भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ये निर्णय नहीं लेता है तो मुझे लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पर भी क्वेश्चन मार्क उठ जाएगा, और हम नहीं उठा रहे हैं, ये जनता उठाएगी। फिर और नाजिया जी, इस देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति महोदया ने भी जिस दर्द को बयां किया है, enough is enough, अब आगे कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, तो उनकी बातों से लोगों को लगा है, उन्होंने तो आर्टिकल लिखा है, तो ऐसा लग रहा है कि शायद राष्ट्रपति शासन की तरफ बढ़ रहा है पश्चिम बंगाल। लेकिन इसमें आप सही कह रही हैं कि संजय रॉय को तुरंत फांसी पर चढ़ाकर ममता बनर्जी चाहती हैं कि सारे के सारे राज दफन हो जाएं, लेकिन अभी तो ये पिटारा खुला है, और जिन लोगों को लग रहा है कि संदीप घोष को क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है, उससे अच्छी तरह से पूछताछ हो रही है। अभी एक बेटी का मामला नहीं, कई और बेटियों के राज भी खुलेंगे, और वो तीन मुस्लिम डॉक्टर जो लापता हैं उनको भी ढूंढा जाएगा। अभी तो ये शुरुआत हुई है, वो तो कहते हैं ना, वो बेटी तो चली गई, कुर्बान हो गई, आप सही कह रही हैं, उसकी बलि चढ़ा दी गई, लेकिन वो अपने साथ इन सबका बंदोबस्त करके गई है। जो राज आज तक नहीं खुले वो अब खुलेंगे, और इसी से ममता बनर्जी डरी हुई है। आपने इस विषय पर विस्तार से जानकारी मेरे दर्शकों को दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम और जय श्री राम। जय जगन्नाथ, वंदे मातरम, भारत माता। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह नाजिया लाई खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा, और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहाँ पे नाजिया खान जी ने ना सिर्फ ममता सरकार को एक्सपोज किया, बल्कि हम सब की दिल की बात भी कही कि पश्चिम बंगाल में जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए और केंद्र सरकार को जल्दी बड़े फैसले लेने होंगे। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट वीडियोस लाते रहें, और वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।